दिलीप सरदेसाई के 78वें जन्मदिन को गूगल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मनाया। महान टेस्ट क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के जन्मदिन को गूगल डूडल के जरिए गूगल ने सेलिब्रेट किया। दिलीप सरदेसाई को स्पिन बॉलिंग के खिलाफ भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। दिलीप सरदेसाई ने अपने क्रिकेट की शुरुआत 1959 में यूनिवर्सिटी के बीच में होने वाले रोहिंटन बारिया ट्रॉफी से की थी, जिसमें उन्होंने 27 की औसत से कुल 435 रन बनाए थे। 1960 में भारत में यूनिवर्सिटी के खिलाफ खेलने आई पाकिस्तान टीम के खिलाफ उन्होंने पुणे के मैदान में 194 मिनट की लंबी पारी खेली थी और इस पारी में उन्होंने 87 रन भी बनाए थे। माना जाता है कि उनकी शानदार पारियों की बदौलत भारतीय क्रिकेट ने 1971 में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था। स्पिनरों के खिलाफ उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। 8 अगस्त 1940 को गोवा में जन्मे सरदेसाई को विदेश में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज के रूप में भी माना जाता है। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय खेल को अहम योगदान देने वाले महान बल्लेबाज ने 2 जुलाई 2007 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दिलीप सरदेसाई को उनके 78वीं जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। खेल जगत की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।